कोई नहीं, एक और मेरे सामने मार के दिखा वार्म अप। हाँ और खोल पैर, पैर खोल, पैर खोल और खोल खोल ये अंगत मेरा नाम, जो पैर उठाते सीते उसके नाम है, बस की तो उठा थोड़े पहले से तो हो गया है ना। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Raj Vishwada, and guys, I am back to the track. पेट थोड़ा थोड़ा काम हो रहा दिख रहा होगा, और आज इस रैक में इसलिए घुसा हुआ हूँ कि मेरे अभी मैंने दो हफ्ते पहले शायद वीडियो बनाया था लेग्स का, जिसमें मैंने ये बोला था कि थोड़ा थोड़ा वर्कआउट लेग्स का शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से किया नहीं है। तो तीन हफ्ते में लेग्स कर चुका हूँ हल्के हल्के, आज वर्कआउट थोड़ा हैवी करने वाला हूँ अपनी औकात से, हल्का सा आज भी कम, बट जितने पे चल रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं मैक्सिमम स्क्वाट्स पे कितना जाएंगे, लेग प्रेस पे कितना जाएंगे, हैक स्क्वाट पे कितना जाएंगे। तो वर्कआउट बहुत धांसू होने वाला है, देखते रहना सारे। फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पे दोबारा चल रहा हूँ, आधे आजू बाजू के कह रहे भैया यही काम करते रहे तो बार बार फैट गेन फैट लॉस। भाई जो लास्ट टाइम में जो गलतियाँ करी ना वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होने वाली हैं। तो जो बॉडी बनाई पिछले सीज़न में वो ख़राब हुई, क्यों? क्योंकि ब्लड रिपोर्ट वाली वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपने देख लिया होगा। तो मुझे ऐसे लगता है अगर बॉडी अंदर से फिट नहीं है तो उसको बाहर से हिट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी पहले अंदर से फिट होनी चाहिए तब बाहर से हिट होनी चाहिए। तो इस बार अंदर से भी बाहर से भी सारी चीज़ें फिट लेके चलूँगा, और फॉलो करते रहो जो जो वर्कआउट दिखा रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, लेट्स गो। तो गाइज़ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड डीसी का श्रेड्स प्रो, मेरे फैट लॉस में लास्ट ईयर इसने बहुत हेल्प करी थी मुझे, और सारे ख़त्म हो गए। पिछली बार मैं इसके 5 या 6 डब्बे खा गया था, 100% नेचुरल है। कभी कोई ये बोले कि क्या केमिकल खा रहा हूँ या कैस्टीरॉइड ले रहा हूँ, सील पैक है, सील पैक है। तो भाई इसको मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ अभी आपको ब्लोटिंग दिख रही होगी, पिछले 2 हफ्ते से कम है, पेट के ऊपर से भी, फेस के ऊपर से भी, और आने वाले और 2-3 हफ्तों में देखोगे तो और ब्लोटिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर है ब्लोटिंग रिमूवल मैट्रिक्स। और मेरी बॉडी को जैसे फैट को कम करने में हेल्प करता है, जितने भी मेरे भाई किसी भी तरह का फैट बर्नर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड की तरफ चले जाते हैं, ना जाके ट्राई कर लेना, 2-3-4 महीने खाओ डीसी का श्रेड्स प्रो। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है श्रेड फैट नॉट मसल, फैट कम करने के चक्कर में बहुत सारे भाई हमारे मसल खो देते हैं, अपनी फिर कहते हैं भाई मोटा होता हूँ, पतले होने जाता हूँ तो बिल्कुल मरा हुआ हो जाता हूँ, और जब मरा हुआ हो जाता हूँ फिर गेन करता हूँ, फिर फैट गेन कर लेता हूँ। तो आप मसल के साथ खेल ही नहीं रहे, आप फैट के साथ ही खेल रहे हो, कभी गेन कर रहे हो कभी लूज़ कर रहे हो। तो इसको ट्राई करो, फैट रिमूव होगा मसल नहीं। लेना कैसे, वर्कआउट से पहले मैं 3 टैबलेट लेता हूँ, आप ज़्यादा ऊपर हो तो 4 ले लो, या बिगनर हो तो 2 ले लो। सबसे अच्छी क्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्टिव है, और बहुत ज़्यादा वो बब गंदी वाली नहीं आती है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा इसके अंदर श्रेड मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपको एल-कार्निटाइन GLA मिल जाते हैं, एनर्जी मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपको नेचुरल कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं, ब्लोटिंग रिमूवल मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया वो आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें बहुत बॉम्बे इसके अंदर 100% नेचुरल है। और अमेजोन के ऊपर या यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप देख लो, नंबर 1 सेलर है, और डॉक्टर चॉइस का श्रेड्स प्रो, PCT प्रो और EAA में तो कोई तोड़ ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगा, जाके बाय कर लेना। जो भी मेरे भाई बॉडी को फैट को मसल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या बॉडी को श्रेड करना चाहते हैं, या फैट लॉस जर्नी में किसी भी तरह का कोई भी उल्टा सीधा फैट बर्नर मत खाना, बहुत घबराहट होती है, हाथ कांपते हैं, रात को नींद नहीं आती है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, 100% नेचुरल है। 2-3-4 महीने रेगुलर खा के देखो, और साथ में डाइट भी करनी पड़ेगी, ये नहीं ये खा रहे हो और फ़ोन करो मैसेज करो भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, साथ में डाइट भी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं फटाफट से हमारा लेग्स वर्कआउट करने, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके चेकआउट कर लो। और भाई ये मेरा फैट लॉस और एनर्जी का एक और साथी जिसका नाम है डॉक्टर चॉइस का रिपडेक्स भाई, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पकाऊंगा नहीं बहुत जल्दी, क्योंकि यार बहुत हार्डकोर वर्कआउट होने वाला लेग्स का, और शायद उल्टियाँ भी हो जाएँ, इसलिए थोड़े से पानी में थोड़ा सा प्री वर्कआउट फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके इंग्रेडिएंट पढ़ के देख लेना, सारी फैट लॉस वाली चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं, और क्रैश नहीं करता, ऐसा नहीं है कि आप खाओगे नींद नहीं आएगी, रात के 10:30 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं और खा के वर्कआउट करके मैं आराम से सो पाता हूँ, और बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं होती है, फ्लेवर भी बहुत धांसू है, मैंगो ऑरेंज फ्लेवर मंगा के देखना, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो मैं तुम्हारी माँ की कसम, अगर तुमने झूठ बोला, क्या मैंने तो नहीं रखा है तुम्हारे बैग में, दैट्स गुड। तो भाई सबसे पहला ज्ञान, कोई भी वर्कआउट हैवी करने से पहले मेक श्योर आप अच्छा
वार्म अप कर लें और टेक्निक और फॉर्म बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। वार्म अप करो लाइट वेट से ताकि आपका जो भी मसल आप ट्रेन कर रहे हो वो उसके अंदर ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए और वो रेडी हो जाए हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं वार्म अप करूँगा ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग ना करते हुए 10 या 20 किलो से, मतलब एक प्लेट हटा देता हूँ इतना काफ़ी है। तो या इसके ऊपर कर लेते हैं, हाँ इसके ऊपर कर लेते हैं, इसके ऊपर फिर हैवी मारेंगे, कितना हैवी मारेंगे वो आप देखते रहना। तो वार्म अप हम ले रहे हैं, हैं आज सर तोड़ दूंगा भाई मैं, इस ट्रेनिंग के लिए 2 हफ्ते से इंतजार कर रहा हूँ। तू मेरे भाई रुक जा, तू रुक जा मेरे भाई, तेरी इंजरी के गिरा ऐसे ही चल रहे हैं। ये रोड यहाँ लगी है, कैन यू इमेजिन कैसी लगी होगी? मीठी 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 ना है, बहुत ही कड़वी। ओए गिर जाएगा यहाँ पे सर। अरे तो धक्के दे रहा है अभी, तू भी बाहर ही धक्के दे, बाहर ही जाएगा गिर जाएगा। ये दो लोग हैं जो मंगलवार 12 बजे बॉडी फिल्म बनाई है। तेरे अंदर जोश कम हो गया। अरे अभी करूंगा। चलो टाइगर भाई, चलो भाई चलो, 15 मिनट चलो कम ऑन। कैसे लेंगे वैसे यहाँ पर? हाँ बस ग्रिप को वाइड, तू वाइड ग्रिप कर, वाइड ग्रिप। नहीं मैं कोशिश करता हूँ। नहीं ये तो शॉर्ट ग्रिप है, मैं भी ना पकड़ देता, नहीं तो वाइड पकड़, यहाँ से पकड़, यहाँ से ये। चलो चल करो, हमारी भी बहुत बनाई है लोगों ने। ठीक है भाई चलो, और खोल पैर, पैर खोल, पैर खोल, और खोल, खोल पैर खोल, चल 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 बैठ, एक चल बस, 2 3 4 ये बात, चल 5 चल 6 12 रेप चाहिए, 6 5 4 3 बहुत बढ़िया, 2 1 मो स्टॉप। हाँ अभी लगवाएंगे ना 10 रैप और, इसके ऊपर 20-20 और लगाओ। अभी अपना तीसरा सेट, सॉरी दूसरा है ना, हाँ। तीन ही सेट मारने ऐसे भाई, क्या लगाया है इसमें और लगा ना, 10 और लगाओ। हाँ चल कमान, चले राजी पहले से ज़्यादा वाइड करो पैर, चल चल पहले से ज़्यादा वाइड करूँ? यस चलो चल, ठीक है भाई, चल 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 कमान, पैर वाइड ठीक है, ओके चल तू, 1 2 3 चल, 4 चल, 5 चल, 6 चल, 7 चल, 8 चल, 9 चल, स्टॉप, बहुत बढ़िया, 11 ठाकुर साहब में रुकने का टाइम ही नहीं है, रुक गए तो पीछे हो जाएंगे। चल सिंगल, चलो सिंगल मार लेंगे, चलो सिंगल मारेंगे अभी थोड़ी देर में, मैं चलो जान दिखाना रहा, नहीं तो पब्लिक बोला ना, ना 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 गंगाधरी शक्ति मार ले एकदम, पब्लिक परेशान लेगी, अरे ये तो प्रभु है, चल दिखाता नहीं जान नहीं जाता। चल खोल पैर, खोल खोल पैर, चल चलो चलो कम ऑन, 1 बहुत बड़े, चल 2 8 रख चाहिए, 3 चल, 4 आराम से भाग मत, 5 भाग मत, तुम एक और, 8 और बस, 2 और ले ले, नहीं बस और भी एक्सरसाइज करनी है, चल बी सेफ, कोई को वाली बात नहीं करनी चाहिए, कोई को दिमाग पर नहीं लेनी चाहिए, तो भाड़ा कैसे समझेंगे, क्योंकि अगर जो हम ही ये चीज़ करेंगे तो लोग सब गलती करेंगे, है ना, सही बात है। जो हम माइंड में सेट करके घुस गए ना रॉड के नीचे, तो उतने ही मार कर निकलो, सही है। स्लैक प्रेस पिछली बार भी मारी है, टाइगर भाई की जिम की हैवी स्क्वाट पहली बार कर रहा हूँ,
शायद ये वर्कआउट मैंने 2 साल पहले या 2.5 साल पहले कभी करा होगा। अच्छा, क्योंकि जिम जिमों में मैं जाता हूँ हैक स्क्वाट्स नहीं, मुझे कभी ये एक्स मशीन नहीं मिली। गुरु जी के जिम में नहीं आई थी मशीन पर मेरा उस पर तुक्का लगा नहीं कभी, लेकिन मजेदार होती है। आज ट्राई करते हैं, चलो सिस्टम है। चल भाई चले। हाँ जी, हैक स्क्वाट्स का एक फंड और सुन। ये हाथ ऐसा है, ठीक है, अंदर से। हाँ, अंदर से, इससे हमें क्या करना है, अगर वेट हैवी लग रहा है तो ऊपर हाथों से फेंक रहा है, ठीक है। चल दो, लेग्स को खोल मत, घुटना मत खोल, सीधा घुटना। अब जा नीचे जा, इसमें बहुत नीचे जा सकता है तू, जा 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 नीचे जा, ये जा जा, शाबाश, ये बहुत बढ़िया था, ये वेरी गुड, डीप डाउन डीप डाउन, जितनी बार डीप जाएगा अपने आप आ जाएगी, ये शाबाश, ये बहुत बढ़िया, चल तगड़ा है, चल चल कमल और, अरे 15 मारेंगे पूरे, चल जा नीचे, एडी पे रख साढ़ा वेट, स्टॉप, लॉक लगा, एक ही लॉक लगा। सो हाउ इज द डे, इज माय हमदा है ना, टांग मुड़ रही, इसके बाद एक एक्सरसाइज हो रहा है, बढ़िया। तीन ही करेंगे? नहीं करेंगे तो ज़्यादा है, लेकिन बढ़िया वाली जो चीज़ है। अच्छा, जिसमें शुरू में लगे कि 3 एक्सरसाइज मारी यार, थाई की बम्बाड़ा बम बन गई। अच्छा, क्वाड की वेट ठीक है, वेट तो नहीं बढ़ाना। अच्छा भाई चलो भाई, वेट बढ़ाओ फिर डीप नहीं जा पाएगा यार, डीप से उठ ना पाएगा, है ना। चल आ जा, ब्रेक हो गया जा रहा, चलो ना ब्रेक ना हुआ। हाँ इधर रेस्ट तो चाहिए भाई, ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिम में। अंदर कर, अंदर अंदर क्लोज, ठीक है, क्लोज करेगा लेग्स ना, और घुटने बाहर मत खोल जाना, ठीक है, ऐसे ही रखिए जितना रख सकता ना, ऐसा है। जब नीचे जाएगा ना, नीचे जाते जितना तू कॉर्ड मसल अंदर ले जा सकता है उतना लीजिए, ठीक है, ठीक है, फिर देखिए यार। चल चल, ये कमान उठना, तुझे पता ही है कैसा है, पता है ना, नीचे का तेरे मर्जी, उठाएगा तेरा हाथ, चल हाँ खोल देना थाई, खोल देना, खोलनी तो नहीं है, ये दवा, हाँ ये, यस, अब दबा का दिखा अंदर यार, ये दवा, ये शाबाश, दबा अंदर, अंदर दबा, हाँ जोड़ दे बेटा साले घुटने, दबा दबा दे, ये अब जानी चाहिए, जोड़ गए, जोड़ घुटने, जोड़ दे, ये जोड़ दे घुटने, यस जोड़ दे, शाबाश कमान, ये बात, चल 3 रैप हो रहा है, घुटने जोड़ दे, घुटने घुटने खोल मत, घुटने मत खोल, घुटने खोल मत, अंदर रख, अंदर नीचे जाते टाइम, चल दबाइए अंदर, अंदर दबा, ये हाँ जाब नीचे, चल स्टॉप, डिफरेंस है ना खोलने में और क्लोज में, है ना। चलो रॉड को पकड़िए क्रॉस हल्का सा, ठीक है, अगर सीधे पकड़ लेगा तो बता, है ना, क्योंकि क्रॉस में स्टेप रड़ेगा यार, कोई ना, तो इतना नीचे तो जाएगा ना, क्रॉस पकड़ियो, और ये पैर अगर बैठ रहा है पहले इस पैर से मारेंगे, सारा कांटेक्ट करेंगे हम, ना वही बता रहा हूँ, सारा कांटेक्ट करेंगे एक पैर पे, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, सपोज कर मैं राइट पे कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका पैर सीधा, इसका भार, ठीक है, ये आ गया सीधा, और यहाँ को बैठेगा एक, और जब ऊपर उठेगा ना, ये ग्लूट्स देख, दो ग्लूट्स राइट, ठीक है, नीचे जा, 3 4 10 रैप ऐसे कर, फिर ये आके ये पीछे, ये पैर, और हाँ और ये वाला टोस सीधा, और ये हल्का सा बाहर, फिर यहाँ बैठ, ये मार, मजे आ जाएगा एक सेट में, देखियो, चल आगे की पकड़, चल ये है स्टिफनेस की बीमारी, ठीक है गुरु, हो जाए सर, चेस्ट बाहर कर, चेस्ट बाहर, चल जा, चल 1 ये, चल 2 इस मसल को अंदर दबाएगा, जैसे तुझे मैंने हैक स्क्वाट्स में कराई ना, ये वाला मसल ऐसे अंदर दबाएगा, चल 3 चल 4 वो बाहर की तरफ, 5 सीधा चेस्ट बाहर सामने देख, चल 6 चल दबा, 7 चेस्ट बाहर, 8 9 एक और 10 चेंज द साइड, चल चल, हाँ 6 बहुत बढ़िया, स्लो 7 चल स्लो 8 गुरु वहाँ में 10 मारे हैं, 8 मारे वहाँ में 10 मारे हैं, मैं 8 मारे, लेकिन आई कैसे है ना, अब तू बैठ गया लेकिन तू खड़ा होगा फील करेगा ना, तुझे हाँ पूरी पलट देगी थाई है, लेकिन मजा है ना, डिफरेंट है लंजिस से ना, बहुत ज़्यादा लंजिस में ना समझ नहीं आता, ये मसल चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है,
ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है हर बंदा ना, लेकिन यह हमारे गलत समझ आ जाएगा। और इसका एक फ़ायदा और है क्योंकि देखो तो ये लड़कों के ग्रोथ स्लो होते हैं और जिनके हो गए लूज रहे हुए हैं, है ना, तो इसमें ग्रोथ बहुत तगड़ा बनेगा। अभी तो तू टेक्निक ना कर पा रहा, लेकिन टेक्निक का फंडा जब तू मार पाएगा ना पूरा ये जाएगा और ये करेगा तो यानी कि ग्लूट्स टाइट करेगा तो पूरी टेक्निक आ जाएगी। 5-6 रैप में अपने आप पैर न्यू लगेंगे। अभी तो क्या है जल्दबाजी में कमर मोड़ रखी है, चल अंदर कि चल बॉडी खुल जाए, बट आज प्रॉपर कॉर्ड मसल मारा है, तुझे ये भी फील होगा, तुझे ये भी फील होगा, तेरा घुटना भी फील होगा। गाइस देखो तुम्हें दिख रही होगी मसल में पंप, एक दिन में मसल पंप होगा, लेकिन हाँ वर्कआउट में आता है पंप इसमें, नो डाउट, बहुत अच्छा। नहीं मुझे भी फील हो रहा, बहुत दिनों के बाद ऐसा फील होंगे यार, ना ये फिजिकल है। मजा आ गया, शॉर्ट्स में करता टाइट कर, ये नो, ये 10। कौन है रावण? रावण कौन है? रावण रावण तू रावण, तुझे तो मैं अकेले मार दूंगा, राम जी को आने की जरूरत नहीं है। कह रहा है वो बच्चे अपना काम देख, अरे बच्चे सामने ऐसे जाके सपोज कर रावण बैठा यू, ठीक है, रावण के राजपाट के थोड़ा जाएगा, तो मेरे कहा बाली पुत्र अंगत मेरा नाम, जो पैर उठा दे सीते उसका नाम है बस की तोटा। अब रावण वाय पथ ही, रावण उठाकर फेंक देगा, जैसे रावण जो चला, अरे इतने बड़े से पैर नहीं छुआ था, दूर दूर गैल, हाँ ऐसी कही हुआ ना, अंगद भी बहुत बलवान, अंगद में बहुत ताकत थी बाली के लौंडा में। मेरा टारगेट बहुत सॉफ्ट, स्किन मसल भी बहुत सॉफ्ट है, देखने में अच्छा लगता है, देखो देखने में कितनी टाइट है ना, और देखो उंगली घुस रही है अंदर मसल में, कितनी सॉफ्ट मसल है, ब्यूटीफुल जिग होती है, कि ऐसे जिगल करे और टाइट कर, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है अगर टाइट है तो ही जानदार है, जो टाइट होती है वो बेकार मसल होती है, उसमें सबसे इंजरी होती है, ऐसे ही लाना एक बार देखना कैसा और एकदम टाइट, बहुत बढ़िया मसल क्वालिटी ऐसे होगी मेरे, सही है, थोड़े पहले से तो हो गए, है ना टाइगर सर, पहले से तो हो गए दो। अब राजवीर इसका भी फंडा समझ बात को ना, आज हमने सिर्फ कॉर्ड मसल मारा तो हमें पूरा का पूरा मसल ही चाहिए यार, हमें ये नहीं चाहिए कि भाई मुझे घुटना चाहिए, मुझे यू ना चाहिए, मुझे यू ना चाहिए ना, ठीक है, ऑलमोस्ट अपना सारा पंप है। अब जब तू इसको ऊपर लेके जाएगा ना राजवीर, अभी बैठ रही हो बस, ठीक है, तो जितनी बार ऊपर ले जाएगा ना इसे अंदर दबाएगा ऐसा मसल को, ठीक है, और स्ट्रेट अप, ठीक है, चल और बट्स मत लगे पीछे, चल थोड़ा सा हो जा, चल ले जा, लेके जाइयो। तो भाई ने क्या कहा है, जब ऊपर जाएंगे तो घुटने कोशिश करने इससे टच कर लो, हाँ ये मसल अंदर नहीं लेकिन कोशिश, हाँ ये मसल अंदर ऑटोमेटिकली वो फॉर्म हो जाएगी जो, हाँ यहाँ से पूरा अपने आप ही तुझे समझ आ जाएगा, यहाँ से ऊपर गए और ये हमारे दबा दबा, ये एक चल मार दबा अंदर, दो चल दबा, तीन दबा, चार दबा, पाँच चल, छः पंजे सीधे, आठ चल, नौ चल, दस चल, ग्यारह दबा ऊपर अंदर, दबा अंदर 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 नारी, और दबा अंदर भाई अंदर दबा, आपने भारी इतनी कर दी, ओह तो कहने मतलब यही है, वही बात आ गई शुरू में, मैं वार्म अप के टाइम घूम जा रहा था कि ये अंदर करना तो पंजे अपने आप अंदर हो जाएंगे और ये अंदर होंगे तो हमारी भार वाली हो जाएगा पूरा, है ना, ये क्वाड मसल पूरा है, हां ये क्वाड मसल खड़ा होता है यहां से, ये मेरी फूल रही है मसल, जो मैंने दिखाई आपको भी, हां ये तेरी तगड़ी कर देंगे इस बार, लेग्स तो भाई ज़रूरी चाहिए बड़ी, और तेरी बन भी जाएगी, बनी बढ़िया, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा काटने पे काम नहीं किया, अगर जिस दिन मैं लेग्स को, जब तू इसको सेपरेशन कर लेगा ना पूरी डीप कर लेगा, उसके बाद जब अगली बार गेन होगी मैच्योरिटी के साथ और पूरे साल वेंस के साथ रहेगी, वही चाहिए और कटी रहेगी पूरे साल, मैंने लेग्स के साइज पे हमेशा काम करा कि पतले ना दिखे मोटे, तो भाई ऐसा है लेग्स में झेल लिया, अंदर अंदर मुझे भी डर लग रहा था कि टाइगर भाई आज मुझे गिरा के ना भेजें, बट झेल गया और बहुत मज़ा आया, क्वाड्स करें तो मुझे फील हो रहा है, आप देख सकते हो, इसमें क्या तो भाई क्वाड्स मसल में बहुत मज़ा आ गया, फील हो रहे मुझे, लेंस में छोटे दिख रहे होंगे क्योंकि वाइड एंगल लेंस है, तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है और मुझे ऐसे लगा कि मैं गिर जाऊंगा एंड तक, लेकिन कैसे समहाउ आई सर्वाइव्ड, और टाइगर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे लेग्स कराने के लिए, मज़ा आया ना, नई टेक्निक मज़ा आ गया, स्क्वाट्स जो करे वो नई टेक्निक से करे, ये तो मैंने आज पहली बार ही करी है, पहली बार नहीं मतलब पहले कर चुका हूँ, लेकिन इतना डीप नहीं गया जितना आज टाइगर भाई ने घुसा दिया इसमें, और वो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको भाई, ये साइड लंजेस बोलता है कोई कुछ बोलता है, अच्छा चलो जो भी है लंजेस ही है, और उसके बाद हमारा एक्सटेंशन, ये चार एक्सरसाइज किए हैं, तीन दिन चार चार सेट करेंगे, एक सेट वार्म अप का और तीन दिन सेट हमारे हैवी, तो बहुत मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच, ट्राई करके देखना, और जैसे मैंने बोला मेरा टारगेट इस ट्रांसफॉर्मेशन में लेग्स और एब्स है, ट्रांसफॉर्म करके फिर आपको दिखाऊंगा, तो भाई जैसे मैं बोलता हूँ गुजरवाद गुजरवाद, ऐसा कुछ भी नहीं है,
भाई बहुत प्यार करते हैं मुझे, और जहाँ भी जाता हूँ जैसे आप प्यार करते हो वैसे सारे भाई प्यार करते हैं। थोड़ी सी वाइब हमारी ऐसी मैच हो जाती है हमारे जैसे लोगों से। तो टाइगर भाई का नेचर भाई बहुत बढ़िया है, बहुत प्यार करते हैं। अब प्यार ना करते होते तो 10 बजे चले जाते, जिम बंद होने का टाइम 10 बजे, 1 बज जाए घर जाते जाते 3 घंटे एक्स्ट्रा मेरे लिए कि मेरा थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म अच्छा हो जाए और टाइम दे पा रहे, क्योंकि स्टिफनेस उनको दिख रही है, इंजरीज दिख रही है। शुरुआत में मेरे पैर में लग गई, खुद करता तो खामा खाए इंजरी और पकड़ लेते। हाँ भाई, तो थैंक यू सो मच टाइगर भाई, थैंक यू सो मच आप सारे भाइयों को, और ऐसे ही प्यार देते रहो, वीडियो देखते रहो, फॉलो करते रहो, शेयर करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थोड़ा चक्कर में कोई बिना टक्कर में, बाय।